आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। सभी को नमस्ते और आस्था भजन चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हमने अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की और इस चर्चा में अलग अलग तर्क देकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा मकसद यह निश्चित करना है कि हमारी चेतना का विकास हो। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी कि हमारी चेतना किस तरह से बाकी 3 सूक्ष्म शरीर, जिसको हम सटल बॉडीज कहते हैं, मनस, बुद्धि एवं अहंकार, उनकी मदद से सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि चेतना को मनस, बुद्धि और अहंकार प्रभावित करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर की चक्र प्रणाली हमारे दैनिक जीवन में, यानी दिन के 24 घंटे में, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है। लेकिन आज हम खास तौर पर सिर्फ एक ही चक्र के बारे में बात करेंगे, और वह है हमारा हृदय चक्र या हमारा हृदय। हृदय चक्र हमारे दैनिक जीवन में हर पल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें हृदय चक्र के बारे में उनके लक्षणों को जानना होगा। ये सिर्फ एक ही ऊर्जा का चक्र, सिंगल एनर्जी वॉर्टेक्स नहीं है, बल्कि यह तो एक जटिल ऊर्जा चक्र या कॉम्प्लेक्स एनर्जी वॉर्टेक्स है। यदि एक चक्र की तुलना किसी तारे या स्टार या कोई फूल या किसी ग्रंथि से की जाए, तो हृदय चक्र सिर्फ एक स्टार या तारा ही नहीं, बल्कि तारों का एक समूह है, तारा मंडल, कॉन्स्टेलेशन। वे सभी पंचभूतों से ही बने हैं। जब हम हृदय चक्र में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहला चक्र मुख्य रूप में पृथ्वी तत्व से बना होता है। अगला चक्र है आत्मा चक्र, जो प्रमुख रूप से आकाश तत्व से बना है, और तीसरा चक्र पूरी तरह से अग्नि के बारे में है, और इस जटिल प्रणाली में चौथे चक्र पर जल तत्व प्रमुख होता है, और आखिर में आता है पांचवा चक्र या विशुद्ध चक्र, जो कि वायु तत्व से बना है। तो ये थे 5 तत्व और हृदय क्षेत्र के 5 चक्र। इसी वजह से हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक बार जब हम इन 5 चक्रों को पार कर लेते हैं, या आप इन पंचभूतों पर महारत हासिल कर लेते हैं, तब सभी द्वंद यानी ड्यूअलिटीज खत्म हो जाती है और हम उच्चतर क्षेत्रों में, आयामों में प्रवेश करते हैं, जिनको कहते हैं ब्रह्मांड मंडल। अब हम मुक्त होते हैं, हम जीवन के बंधनों से, इस देहधारण के बंधनों से आज़ाद होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। यदि आप वापस आना चाहते हैं, तो शायद आप वापस आएंगे। उस समय कोई इंसान इस तरह की आज़ादी का, मुक्ति की अवस्था का आनंद लेता है। ऐसे लोग एक उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं, इच्छाओं के लिए नहीं, अपने मन में एक लक्ष्य लेकर आते हैं, और वह है दूसरों को उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचाने में उनकी मदद करना। अब हम देखेंगे कि अपने ये जो चेस्ट एरिया, पिंड प्रदेश में, इन चक्रों के स्थान को कैसे खोजें, उन्हें लोकेट करने में मैं आपकी मदद करूंगा। और यदि आप लंबे समय तक हार्टफुलनेस पद्धति का अभ्यास करते हैं, तो आप हर एक चक्र की अनुभूति कर पाएंगे, साथ ही साथ
यात्रा के दौरान आने वाले सूक्ष्म बारीकियां या सटल नुआंसेस को समझ पाएंगे, अनुभूति होएगी। अनुमान की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। जिस तरह एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाने को हम कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा, उसी तरह आप भी अपनी यात्रा, इस आध्यात्मिक यात्रा और चक्र के बीच की यात्रा पर भी गौर कर पाएंगे। और क्योंकि सभी चक्र असीम या इन्फिनिट है, इसलिए बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी इंसान लंबे समय तक किसी एक चक्र पर अटका रहता है, क्योंकि उस चक्र में भी असीमित विस्तार है। उनसे बाहर निकलना सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। हर चक्र की अपनी आध्यात्मिक अवस्था होती है, जो हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती है। यह जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसे इन साधारण विचारों का हमारी नियति, हमारे डेस्टिनी पर गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है, क्योंकि ये विचार और कार्य इस चक्र प्रणाली को प्रभावित करते हैं और इसके असर को ही हम कर्म कहते हैं और कर्मफल कहते हैं, और एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारा साथ ही साथ चलते रहते हैं। तो हम इन चक्रों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत ही आसान है। तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक चक्राकार प्रणाली या वॉर्टेक्स सिस्टम है। समझने के लिए हम इसे बिंदु सी मान लेते हैं, जो इधर है। जब कभी हम कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो वह हमें उस विचार की ओर ले जाता है कि अरे मुझे यह पसंद नहीं है या मुझे यह चीज़ बहुत पसंद है। ये पसंद और नापसंद का मामला ही अपने हृदय में छापे बनाता है, और फिर यही छापे बिंदु सी पर जाकर सेटल हो जाती है। मैं चित्र की मदद से आपको बताऊंगा कि बिंदु सी और अन्य बिंदुओं का स्थान कौन सा है। उदाहरण के लिए मान लें आपको कार पसंद है, तो आपके मन में बार बार उसी का विचार आता है। इससे यह कार को पसंद करने से संबंधित विचारों का प्रभावित होगा, जिसके कारण यह बिंदु ए प्रभावित हो जाता है, जो स्लाइटली अबव सी पॉइंट है। उसी तरह से यदि आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और उसके प्रति सेंसुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यह स्पंदन या वाइब्रेशन एक खास बिंदु को प्रभावित करते हैं, जो ए और सी के बीच में, जिनको हम कहेंगे बी पॉइंट। दूसरी ओर जब हम सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं और ऐसे काम नहीं करते जो हमें करने चाहिए थे, तब ये हमारे भीतर बहुत ज़्यादा अपराध बोध या गिल्ट की भावना पैदा करता है, और फिर यह बिंदु भारी हो जाता है, जिसको हम पॉइंट डी कहेंगे। उसी तरह दूसरे चक्र भी होते हैं, जैसे आत्मा चक्र जो यहाँ है, जो कि चक्र एक की मिरर इमेज है। आइए अब इनके स्थान को खोजने का या इन्हें लोकेट करने का तरीका देखते हैं। अब अपनी पसलियों की आखिरी जो लास्ट टू रिब्स हैं, पसलियों की आखिरी दो हड्डियाँ जहाँ मिलती हैं, उस स्थान को महसूस करने की कोशिश करें। उस बिंदु से एक उंगली नीचे जाए, फिर चार उंगली अंदर की तरफ आए, वही बी है, पॉइंट बी, बिंदु बी है। यदि आप बिंदु बी से नीचे सीधी रेखा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो जहां यह लाइन आखिरी पसली को छूती है वो पॉइंट सी है, और इस बिंदु बी से ठीक दो उंगली ऊपर आपको बिंदु ए मिलेगा। उसी तरह जब बिंदु सी से दो उंगली अंदर की ओर जाएंगे, तो आपको पॉइंट डी मिल जाएगा। आपके लेफ्ट निप्पल और बिंदु डी के जो बीच में जो है, वो अभी वो हृदय चक्र में,
उसकी हुपू छवि मिरर इमेज चक्र नंबर 2 या आत्मा चक्र लेफ्ट, अपनी आत्मा चक्र अपने राइट साइड पे होएगा अंदर दी राइट निपल। आप चक्र नंबर 1 या 2 के इस चित्र को उल्टा करके ऊपर की तरफ करेंगे मिरर इमेज, तो आपको लेफ्ट में चक्र नंबर 3 मिलेगा जो कि अग्नि तत्व या अग्नि चक्र से संबंधित होता है। उसी तरह राइट में जो चक्र नंबर 4 मिलेगा जो कि जल तत्व से संबंधित है, और जब हम गर्दन के ठीक नीचे इस बिंदु को 3 और 4 से जोड़ते हैं तो एक त्रिकोण बनता है। इस बिंदु को विशुद्धि चक्र भी कहते हैं जो कि अग्नि तत्व जो कि एयर तत्व से बना है। बेशक मुख्य तत्व अपने निर्धारण प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन के अनुसार अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन उनमें दूसरे तत्व भी मौजूद होते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हृदय चक्र में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि पृथ्वी तत्व 100% होएगा। हाँ, होएगा, मोर देन 80% हो सकता है, मोर देन 90% हो सकता है, लेकिन और 20 या 30% बाकी के जो तत्व है, आकाश, वायु, पानी और जल, नहीं तो हवा, एयर, इनके कॉम्बिनेशन में रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा दैनिक जीवन के कार्यों में वाकई क्या होता है। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उस समय आपका दिल क्या महसूस करता है, आप जरा देखना, गौर करना। उस समय क्या आपने कभी यह गौर किया है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तब आपका दिल एक तरह से बोझिल महसूस करता है, आप बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, या जब आपकी इच्छाओं में से एक इच्छा पूरी नहीं होती तब भी आप बेचैनी महसूस करते हैं। और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आपको कहाँ ले जाएगा? पहले चक्र पर अनुभव जो होता है बेचैनी का, क्योंकि कुछ इच्छाएं हमारी फलीभूत नहीं हुई, तो गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, इसकी वजह से हम शांति खो बैठते हैं। मेरे दिल में चैन नहीं है, कहते हैं लोग, इसका मतलब यही है कि दिल की बेचैनी अगले चक्र को प्रभावित करती है जहां आप शांति की कमी महसूस करते हैं। जब आप मन की शांति खो देते हैं और यह हालत लंबे समय तक बनी रहती है तो यह तीसरे चक्र को प्रभावित करती है। फर्स्ट चक्र आत्मा चक्र को प्रभावित करता है। आत्मा चक्र पे हम जब लंबे समय तक बेचैनी पर महसूस करेंगे तो तीसरे चक्र को प्रभावित करती है, जो कि ये तीसरा चक्र है प्रेम के बारे में। अब जब शांति का यह अभाव लगातार तीसरे चक्र को प्रभावित करता है यानी अग्नि चक्र को, तब प्रेम की बजाय यह चक्र एंगर या क्रोध में बदल जाता है। इसी तरह से जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आखिरकार यह तीसरे बिंदु को प्रभावित करते हुए गुस्से में बदल जाती है, और ये गुस्सा चौथे चक्र को प्रभावित करता है जो जल चक्र है। यह चक्र पूरी तरह से हिम्मत के बारे में है। जब डर फियर लंबे समय तक आपको अपने शिकंजे में जकड़े रखता है तो यह हिम्मत डर में बदल जाती है। आपके भीतर के इस लगातार डर के कारण यह उसके अगले चक्र पर असर करता है यानी पांचवा चक्र या वायु चक्र। जब आप इस हिम्मत को खो देते हैं और डर के शिकार हो जाते हैं तब आप भ्रमित होने लगते हैं, और इसकी वजह से आप मन की स्पष्टता या क्लैरिटी ऑफ माइंड खो देते हैं। लिहाजा इसी तरह से हमारी छापें, हमारी पसंद नापसंद किसी भी कीमत पर
कोई चीज पाने की हमारी इच्छा ऐसी सभी चीजें पैदा करती है। मान लें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, जब ऐसा होता है तब आप अपने दिल में स्वाभाविक तौर पर संतोष महसूस करते हैं, आप शांत महसूस हो जाते हैं, आपको शांति महसूस होती है, जो कि दूसरे चक्र यानी आत्मा चक्र का गुण है। और यह शांति लंबे समय तक हमारे दिल में कायम रहेगी, इससे बहुत सारी करुणा पैदा होगी, और इस करुणा के कारण तथा इसके लंबे समय तक बने रहने के कारण आप साहसी महसूस करेंगे, हिम्मतवान बन जाएंगे, और आपके दिल का यह साहसी एहसास आप में बहुत ज्यादा स्पष्टता या क्लैरिटी लाता है। आइए अब इस प्रक्रिया की तुलना एक चक्र से दूसरे चक्र पर जाने की यात्रा से करते हैं, जहां हम संतोष, शांति, करुणा, हिम्मत या स्पष्टता, इन पांचों को एक साथ अनुभव करते हैं। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तब हम इस भावनात्मक जुड़ाव की तुलना इन चक्रों से करते हैं, तो यह अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आइए अध्याय नंबर 2 गीता का है और श्लोक नंबर 62 उसको पढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब इंसान इंद्रिय सुखों में रमा रहता है तब उसमें उन चीजों के प्रति आकर्षण बना रहता है, आकर्षण से इच्छा जन्म लेती है, पाने की लालसा हो जाती है, लस्ट ऑफ पोजेशन, और यह आगे बढ़ के जुनून या पैशन बन जाता है, फिर यह जुनून गुस्से की ओर ले जाता है। अगला श्लोक है संख्या नंबर 63, कहता है जुनून से मन कसमकस होता है, स्पष्टता की कमी हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, कर्तव्य याद नहीं रहता, यह सब कम होने से तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, तर्क शक्ति का खत्म होना इंसान का विनाश। इसलिए हम देख सकते हैं कि उचित तरीके से नियमित रूप से किया गया ध्यान हमें पंचभूतों के साथ जुड़ी हुई एक अवस्था का अनुभव कराने में मदद करता है। एक बार जब पंचभूतों पर महारत हासिल हो जाए, when we transcend it, तो हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस सभी स्तरों के परे जाने में मदद करती है। आखिर में चेतना भी तो एक अनुभव करने वाली चीज है, यह सब कुछ तो नहीं है। लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे कि जैसे बच्चों को खेलने के लिए खिलौने होते हैं, युवाओं के पास रोमांटिक लाइफ होता है जिसका वे आनंद लेते हैं, और योगी भी किसी भी तरह से चेतना के इस खेल में फंसे रहते हैं। लेकिन किसी वक्त पर हमें इनके परे जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि चेतना को भी किसी महानतर चीज से सपोर्ट मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग के कार्य हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं, दिमाग या मन सपोर्ट करता है, और मन को चेतना सपोर्ट करती है, और चेतना को आत्मा इस तरह से सपोर्ट करती है। उस पर गौर करना, उसे समझना और उसी के अनुसार आगे बढ़ना एक अद्भुत बात है, और खास करके मैं कहता हूँ अनुमान नहीं लेकिन अनुभव की बात है। मैं आप सभी को एक रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हार्टफुलनेस का अभ्यास करके देखें, आपको अफसोस नहीं होगा। मैं इस बात को आपके समक्ष आज यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाने की ये यात्रा इतनी आनंददायक है कि बाहरी लौकिक स्थान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेशक आपको कमिट तो होना ही होगा, गंभीर और निष्ठापूर्ण कमिटमेंट तो होना ही चाहिए। अभ्यास और शिष्टाचार के बिना
योगा में, योग शास्त्र में कभी भी उन्नति नहीं आ सकती। तो आइए हमेशा की तरह हम सभी एक साथ ध्यान करते हैं। ये ध्यान सत्र जो मैं आपके साथ करता हूँ, ये मुश्किल से 10 मिनट के होते हैं, पर मैं इतने कम समय के ध्यान से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन वाकई में हमारे पास उतना ही समय बचता है, हमारे पास बहुत कम समय होता है, क्योंकि हम टीवी पर ऐसे विषयों की चर्चा कर रहे हैं। यदि आप घर पर ध्यान करते हैं तो कृपया इसे करने में ज़्यादा समय बिताएं। तरीका वही रहेगा, अपने दिल को खुला रखें, पूरे आदर भाव के साथ इस प्राणाहुति को आकर्षित कीजिए। एक बार जब आप अपना दिल खोलकर आदरपूर्वक अपने दिल में ईश्वरीय सारत तत्व या डिवाइन एसेंस का आह्वान करते हैं, तो मेरे मालिक आपको प्राणाहुति की अनुभूति जरूर कराएंगे। तो आइए ध्यान करते हैं। हमारे ध्यान का तरीका बहुत ही आसान है, सिर्फ रिलैक्स हो जाइए, आप आँख बंद कीजिए, दिल को खुला कीजिए और सोचिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है जो मुझे उनकी ओर आकर्षित कर रहा है और मैं ध्यान में बैठा हूँ। जब ध्यान खत्म होएगा तो मैं आपको बोलूँगा बस कीजिए, दैट्स ऑल। सो चलो शुरू करते हैं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। सभी को धन्यवाद और फिर से मिलते हैं आस्था भजन चैनल पे अगले संडे 9 बजे।